अक्सर हमें कॉल आता है कि कोई कॉलेज स्कूल में सांप दिखाई पड़ता है। अक्सर स्कूल और कॉलेज में ग्राउंड होते हैं और ग्राउंड में घास और जंगल होते हैं और वहाँ पे रहते हैं चूहे, तो सांपों के लिए एक उपयुक्त जगह होती है वहाँ पर रहने के लिए। ऐसे ही KBS कॉलेज में बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे काफ़ी चूहे भी हैं और उसी की लालसा में सांप कभी कभी आ जाते हैं। आज ऐसा ही हुआ, KBS कॉलेज में एक जहरीला सांप, कोबरा सांप दिखाई पड़ा। लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया, वहाँ के स्टूडेंट भी घबरा गए। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम के मुकेश उपाध्याय, मोनू शर्मा पहुंचे और वहां पे कोई साधन नहीं होने के कारण हमारे पास जो साधन थे उसे हमें रेस्क्यू करना था और उसे जंगल में रिलीज करना था। काफ़ी मेहनत लगा और काफ़ी धैर्य से हमें रेस्क्यू करना पड़ा और काफ़ी देर के बाद रेस्क्यू सक्सेसफुल रहा और बाद में जाके हम उसे रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर पाए। जय हिंद, जय भारत। Okay.